समाज को सुधारना लगभग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जैसा होता है। पहले तो ये डिसाइड होता है कि खाना क्या है, फिर ये फैसला लिया जाता है कि खाना कहाँ है, और उसके बाद ही हम पहली गहराई तोड़ पाते हैं। और हमने जो जगह चुनी वो थी स्पीति वैली। अभी ना रेडी हो? मैं टाइम पे एकदम रेडी हूँ। ठीक है जी। केक की चाबी? गाड़ी में। चल। ओके। तू कहाँ गेट तक छोड़ने चली गई? चंबी। तू कहाँ जा रहा? स्पीति जा रहा है कब? आ जाओगे आप भी। जिस सफर पर आप हमारे साथ चल रहे हैं, उसकी शुरुआत हुई थी 2021 में, जब हमें पता लगा था कि स्पीति वैली में कुत्ते इतने भूखे हैं कि वो एक दूसरे को खा रहे हैं। एक ही समस्या से निपटने के लिए अक्सर हमें दो तरीके अपनाने पड़ते हैं। पहला तरीका तो ये था, भाई जो सामने भूखा दिख रहा है उसका पेट भरें, और दूसरा ये समझना कि भूखमरी आखिर है क्यों, और फिर उसे सुलझाना। 2021 में स्पीति में जो हमने डॉग फीडिंग प्रोग्राम चलाया, उसके दौरान हम समझे कि समस्या कुत्ते नहीं, कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या है। थोड़ा सा प्लान में चेंज है। पहले हमारे पास गार्बेज डंप में वो चार कमरे दे रहे थे जहाँ पे हम कैनल सेटअप करते, तो मैं नरेंद्र जी को कह रखा था कोई जगह मिले जहाँ पे सारे कैनल आ जाए। तो उन्होंने स्टेडियम के पास एक कंस्ट्रक्शन है, हाफ टन है, सारे हमारे कैनल इकट्ठे आ जाएंगे। बस एक है, ये थोड़ा ज़्यादा खुला है ना, गर्म रखने में दिक्कत होगी। हाँ, वैसे डॉग्स तो सारे कैनल में ही हैं। इस जनसंख्या की समस्या को सुलझाने के लिए जगह छोड़ के जो भी हमें चाहिए था, लोग, सामान और एक प्लान, उस सब का बंदोबस्त हमें यहीं से करके चलना था। प्लान हमने बना लिया, लोग हमारे तैयार ही थे, और सामान को इकट्ठा किया गया। जिस शाम वो कैनल्स बनके तैयार हुए जिसमें सर्जरी के बाद कुत्तों ने रहना था, उसी रात उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया गया, और अगले दिन सुबह हम भी चल पड़े। अब बस बचा था हमारा वहाँ जाके चीज़ें सेटअप करना, और यहाँ से मेडिकल टीम का मेडिकल सप्लाईज लेके आना। कर लो जी डीवी अब खाना। दौलताम जी, रिकॉन्ग पीओ के आगे एक पेट्रोल पंप आता है, वहाँ से हमें डीजल फुल कराना है। चलो वेनू, फिल्म तो तभी बनेगी जब तुम गाड़ी बैठोगे। छोड़ो शिकायतें, छोड़ो हिदायतें, हर मोड़ पे नहीं मिलती इनायतें, कर लो पिछले साल वाले कुछ किरदार इस साल भी हमारे साथ थे, पर अलग रोल्स में। डोलमा दीदी, जिनका घर काजा शहर में डॉग फीडिंग का हेडक्वार्टर था, अब की बार वो हमारे रहने और खाने के लिए जिम्मेदार थी। अंजलि, जिसने हमें सभी स्थानीय लोगों से जोड़ा था, वो अब की बार हमारे साथ वॉलंटियर्स जोड़ रही थी। कल आपको वॉलंटियर्स चाहिए होंगे? हो जाए तो बहुत ही अच्छा है यार। हाँ। अच्छा। हेलो नरेंद्र जी, नमस्कार। हाँ, जगह देखने जाएंगे। हाँ जी। और नरेंद्र जी जो हमें पिछली बार पपीज को खाना खिलाते हुए मिले थे, वो हमें हर तरह की जमीनी सपोर्ट दे रहे थे ताकि पपीज पैदा ही ना हो। आपके पपीज कितने? सब चले गए। लास्ट एक बजा उसको किसी गाड़ी दबा रही है। चलो अगर अब ये स्टरलाइजेशन प्रोग्राम कामयाब होता है तो फिर ये तो करने पड़ेगा।
हमारे घर नीचे जाती नहीं ना, सर्विस की दिक्कत है। ध्यान से आने यार, कांच टूटा हुआ है। मैं साफ करने के लिए झाड़ू लाया था। आई डोंट थिंक ये झाड़ू से ये बिजली है, ये मामी नहीं है। मुझे लगा क्योंकि टेम्परेरी होना शायद मिल जाएगा सामने से ना, रेडिएटर भी है, छत है, तो ये पूरा कमरा गर्म हो जाएगा। तो ये दो विंग्स में रहेगा, 12 कैनल यहाँ आएंगे और 12 कैनल उधर जाएंगे। आपका कोई अगर ओपिनियन है तो प्लीज़ स्पीक फ्रीली, मुझे अभी बता दो। करने के बाद नहीं, रॉबिन ऐसा करते तो बेटर था। नहीं, मैं करते करते ही बता दूंगी। आप होटल चलाते हैं, इस समय आपका बिजी सीजन है, आप इसमें अपना सब में टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हो? ना तो अपने लेवल पर नहीं कर पा रहा था, जब से वीडियोज आने शुरू हो गए, रेस्क्यू वगैरह का ये वीडियो देखा, हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं। हमें लग रहा नहीं है, चलो हमको करना चाहिए एटलीस्ट कुछ, छोटे लेवल पे ही सही, चलो कर दो चाहिए हमको एटलीस्ट। ये कहीं ना कहीं चलो जैसे आप आ गए तो हमको अच्छा लग रहा है। चलो दोनों मिलकर लगता है कि 100% हम इसको सॉल्व कर पाओगे प्रॉब्लम को ना, जो स्टेट हाउस की प्रॉब्लम है काजा में। देखा कितनी ताकत है मुझ में। हमें इस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट को बार बार अभी गया था मैं। ये देखो अभी तुम और ही कुछ शूट कर रहे होते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। हमें अंडर कंस्ट्रक्शन साइट को एकदम चकाचक पोस्ट ऑफ बनाने का है। डेजर्ट होटल के साथ ठीक है, मैं आ जाता हूँ। अभी अभी नरेंद्र जी का फोन आया है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में है, वहाँ पे मीटिंग चल रही है तो वहाँ चले जाते हैं। वो कह रहे हैं कि इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, शायद डॉग्स पकड़ने के लिए हमें थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, देखते हैं। सर से मिला, सर आप पीपल फार्म से? जी रॉबिन जी। जी आपके डॉग कैचर्स फीडर्स की मदद से डॉग्स को पकड़ेंगे? जी ठीक है, पर हम चाहेंगे कि जो लोग अपने भी जैसे किसी को जिसे आप फ्रेंडली हैं वो लेके आए, मतलब क्योंकि कैचिंग क्या है शुरू में तो हो जाती है, थोड़े दिनों बाद डॉग्स को पता लगना शुरू हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे डॉग्स जिस एरिया से पकड़ेंगे उसी जगह छोड़ दें? जी जी बकायदा। तो उन पे टैगिंग वैगिंग करेंगे कि ये कहां से आ रहे हैं? वो तो हम अपने पास ट्रैक रखेंगे। हम डॉग्स को ये करने के लिए हम ईयर का टिप चॉप ऑफ कर देते हैं ताकि पता लग जाए ये डॉग स्टरलाइज्ड है। जिसको स्टरलाइज करेंगे हम एआरवी लगा के छोड़ेंगे। तो ये भी अच्छी चीज है, एआरवी लग जाएगा, विल सपोर्ट यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है सर। टेम्पररी मीटर मिला है तो वहां से हम यहाँ पे एक केबल रन कर रहे हैं ताकि हमारे दोनों जो यूनिट्स हैं दोनों में हम या तो हीटर्स लगाएंगे या 200 वाट के बल्ब लगाएंगे, देखते हैं। चीज़ें अभी तक स्मूथ जा रही थी, पर शायद चीज़ें अभी तक ही स्मूथ जा रही थी। यार मूड ऑफ हो गया सारा। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, क्या एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का? हाँ जी, हाँ जी सर, एक साइड के दोनों टायर्स तो चले गए, मतलब खराब ही हो गए पूरा। आप लोग ठीक हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है सारे के सारे। तो वो लोग वहीं से एक गाड़ी करी उन्होंने एक और कैंपर, उसमें सामान ट्रांसफर करके वो लोग ओवरनाइट ही आ रहे हैं, तो कल सुबह ही पहुंच जाएंगे आई थिंक। सब ठीक है, ये बिग डील है, ह्यूज ह्यूज।
थोड़े बहुत जो स्कैनर के पीस है वो अंदर करने हैं। हाँ करने तो हैं, बट अभी नहीं, कल। यार ये बार आएगा सर अभी? नहीं आएगा, खत्म स्लैब वहीं तक है। फिर इसको क्या कह रही प्रतिभा? कल एनिमल वेलफेयर में कोई कल नहीं है। जो होता है अभी आज। डन डन फॉर द डे। अच्छा नरेंद्र जी ने आन मौके पे हमें दूसरी साइट सजेस्ट कर दी। यहाँ पे हम कहाँ सेटअप करते हैं? फोन पे और वीडियो क्लिप्स पे इतना नहीं समझ में आ रहा था। ओ, यहाँ तो बच्चे भी देख सकते हैं। कह रहा था ना, हम एक महीना लेट हो गए, कुछ मदर्स ने ऑलरेडी बच्चे दे दिए हैं। हम फिर उस जगह पे लौटते रहे ताकि हम उन कुत्तों को पकड़ पाएं जिन्होंने अभी बच्चे नहीं दिए हैं। अपनी सीमित एनर्जी हमें उन्हीं चीज़ों पर केंद्रित करनी होती है जिन्हें हम हाल में सुलझा सकते हैं। अगर कुछ पहले ही हो चुका है या इतना बड़ा है या पेचीदा कि हम उसे नहीं सुलझा सकते तो उसके बारे में सोचना सिर्फ हमें थका देगा। पर थ्योरी और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है, और कभी ना कभी कोई ऐसी चीज़ जब आपका ध्यान खींच के आपको निराश कर देगी और आपका हथियार डालने का मन करेगा तो अपने आप को याद दिला लीजिएगा कि जिनकी मदद करने का बीड़ा आपने उठाया है वो आपसे कहीं बदतर महसूस कर रहे हैं और इसीलिए हारना मना है। अच्छा काम करने में नहीं लग सकता। किसी की आर्थिक मजबूरियां हैं, किसी की पारिवारिक, तो किसी को अभी दुनिया देखनी है। ऐसे में जब आपको समय लगे आप किसी और के साथ वॉलंटियर करके उसका अच्छा काम करने में हाथ बढ़ा सकते हैं, और फिर क्या पता वो अनुभव आपके अपने सफर का पहला कदम बन जाए। कब से शुरू करें? कल से कैच, कल से सर्जरी। सर्जरी कहाँ होगी? वेटनरी में। अच्छा, फिर वहाँ से आप गाड़ी में डॉग को लेकर आएंगे और फिर यहाँ 3 दिन रखेंगे, ऐसा? करेक्ट करेक्ट, हर रोज 8 सर्जरीज होंगी। ठीक है, चलो फिर। ठीक है, ये हमारी टीम। मैं कांग्रेट ऑन बीइंग अलाइव। चक्कर चक्कर उल्टियां इस बार कुछ बस एक्सीडेंट। अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं कि हर बार ये आपको रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। कई बारी जो रास्ता लोग बना चुके हैं आप उसी रास्ते पे और आगे जा सकते हैं। पहले तो रेस्ट तो कर ले, सांस ले ले। हाँ, बाद में आराम। ठीक, ओके। तो ये हमारा सेटअप रहेगा, सर्किट हाउस हमारा स्टेजिंग एरिया है। यहाँ पे हमारी सारी सप्लाईज हैं, क्लिनिक में सर्जरीज होंगी और जो कला केंद्र है वहाँ पे हमारा पोस्ट ऑपरेटिव। अच्छा अच्छा, ले, तू अच्छी लग रही है, मेरी मून जैसी है तू, वाइट वाइट सी, मालूम है तुझे? तू नहीं रही है ना? अब यहाँ पे डॉग्स पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए हैं। जैसे पहले तो हाथ लगाते भागते थे, अब वो आ रहे हैं पास, तो जितना हो सकेगा हम हाथ से करेंगे, ट्रीट्स देके करेंगे, प्यार से करेंगे, क्योंकि वो नेट वेट पे आ गए तो फिर वो भाग जाते हैं। इन लोगों को मेल भी डाला, ये नहीं कि हमारा स्पॉन्सर करता है डॉग फूड, अच्छा लोग डोनेट करें। बैठो बैठो बैठो, चलो अब तो गेम ऑन है। बम और बंदूकों से लाखों गुना ज्यादा जिंदगियां पिंजरे लेते हैं, और वैसे भी पिंजरों में जीने वाले मरने से पहले ही हर दिन मरते हैं। हम इन पिंजरों का इस्तेमाल किसी जीव को कीमत में बदलने के लिए नहीं कर रहे, हम तो बस ये चाहते हैं कि किसी माँ को जीने की कीमत हर 6 महीने में अपने बच्चों को मरता देख के ना चुकानी पड़े। है न,
ये हमारे वो हैं जो फीड कर रहे थे, ये लोग जा रहे हैं, जो डॉग्स आइडेंटिफाइड है जिन जिन नेबरहुड्स में उनमें से फीमेल सेलेक्ट करके ला रहे हैं सर्जरीज के लिए। केसंग भैया गाड़ी चला रहे हैं, गौरव कैचर है। गौरव तुमने हर डॉग जो लेना है ना फोटो लेनी है और लोकेशन की फोटो लेनी है। कितने क्यूट है, जाएंगे सर्जरी कराएंगे। ये लो पहला पेशेंट, छुई लेकिन छुई छुई छुई। जिन कुत्तों को हम खाना देते हैं ना उनको पकड़ना आसान होता है, क्योंकि दोस्ती के अलावा हमारी उनसे एक डील भी होती है। उनका हम पे भरोसा होता है कि हम उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमारा उन पे कि वो हमें कभी काटेंगे नहीं। दोबारा बच्चे नहीं देंगे यार, उस तरफ भी है। क्या हुआ? यही एग्जैक्टली हम अवॉइड करना चाहते हैं ना, क्योंकि डॉग्स नहीं है प्रॉब्लम, डॉग्स की ओवर पॉपुलेशन है प्रॉब्लम, पर ये कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। ये है तरीका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दुनिया में सफरिंग इसलिए नहीं बढ़ रही कि कुछ लोग कुछ चीजें करने से पहले ये सोच रहे हैं कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी चीजें करने से पहले सोच ही नहीं रहे कि हम कर क्या रहे हैं। इसका तो हो चुका है शायद, इसका हो चुका है। हाँ, उसकी जो हालत देख के लग रहा है उसका भी हो चुका है। हाँ जी, दो हो गए, दो हो गए, वो एक वेटिंग है। कुल कितने डॉग्स हो गए? आठ हो गए, कोटा हो गया अच्छा पूरा। यस, एट डॉग्स जो हमारा कोटा था, एट फीमेल डॉग्स। कुत्तों के बच्चे पैदा ना हो इसके लिए आज तक कोई दवाई नहीं बनी, इसीलिए हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ती है। किसी के बच्चा पैदा करने की क्षमता ले लेना है तो अप्राकृतिक, पर क्या सिर्फ प्राकृतिक या अप्राकृतिक होना किसी चीज को गलत या सही बनाता है? कुत्ते बेचने वाले ब्रीडर, मांस बेचने वाले फैक्ट्री फार्म और दूध बेचने वाली डेयरियां जो इस प्राकृतिक क्षमता का फायदा उठा के एक जीव को मशीन में बदल देते हैं और सफरिंग बढ़ाते हैं, गलत तो वो हुआ ना। हम तो इन बच्चों को पैदा होने से रोक भूख बीमारी और गाड़ी से मिलने वाली सफरिंग भरी मौत से बचा रहे हैं। हेलो, आप आ जाइए गाड़ी लेके ना, डॉग्स को लेके जाना है हमको। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। अप्रैल के महीने में भी रात को स्पीति वैली का तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। आम तौर पे सड़कों पे वही पशु जिंदा बचते हैं जो इस ठंड को झेल जाते हैं, पर सर्जरी के दर्द से रिकवर होते हुए पशु इस ठंड को नहीं झेल पाते। चोट लगने पे जानवर जितना मर्जी चीखे चिल्लाए उसके बाद वो हमारी तरह कराहता नहीं रहता, और शायद इसीलिए हमारे लिए भुला देना बहुत आसान है कि भाई अगर उसे हमारी तरह भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसे हमारी तरह दर्द भी होता है, और हमारी तरह चाहे मजबूरी में वो किसी भी हालात से एडजस्ट कर गए हैं वो भी थोड़ा सा कंफर्ट चाहते हैं। मेरे को तो पर्दा देख के बड़ा सही लग रहा है सरिया वाला। वो गिरे नहीं, भी पत्थर बाहर से भी लगा, अंदर से भी लगा, बिल्कुल उधर भी लगा दिया। तो सर्जरी के बाद कुछ दिनों के लिए हमने उनको एक सेफ गर्म स्पेस दी जहाँ पे वो आराम से रिकवर कर पाए। तीन चार दिन के बाद हमने उनको जहाँ से पकड़ा था वहीं पे रिलीज करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि कई लोगों को लगे कि भाई वो तो बेघर हैं, उन्हें एक सड़क से उठा के दूसरी सड़क पे छोड़ भी दिया तो इसमें उनका कौन सा घर छिन गया। अच्छा, गुड गुड। कितनी जल्दी है भागने की। चलो चलो
एक बेघर कुत्ते के पास अपना कहने को कुछ ही चीजें होती हैं। शायद गली के बच्चों का दिया हुआ नाम, ये जानकारी कि मोहल्ले की कौन सी नाली में पानी थोड़ा साफ होता है और कौन से अंकल चोरी छुपे बिस्किट दे के सर पे हाथ फेर देते हैं। तो जब आप एक बेघर को एक सड़क से उठा के दूसरी सड़क पे छोड़ देते हैं, हाँ आपने उसका घर तो नहीं छीना पर आपने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। कुल 2 हफ्तों में हमने अपने टारगेट को पार करके 150 से ऊपर फीमेल डॉग्स की सर्जरी करी और अब वक्त था पैकअप का। बाय। दूसरों का दर्द कम करने वाले रास्ते पे जो लोग चलना शुरू करते हैं, एक समय पर उन्हें लगता है कि दर्द इतना ज्यादा है कि उसे निपटाने के लिए चलना काफी नहीं, भागना पड़ेगा। शुरू में वो बहुत तेज स्प्रिंट लगाते हैं, फिर थोड़ा समझ आने पे कि रास्ता लंबा है वो मैराथन की तरह धीरे धीरे भागते हैं। पर जब दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं लेता तो वो थक के नहीं, निराश होके रुक जाते हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि जब तक जिंदगी है दर्द भी है, और इस रास्ते पे ना स्प्रिंट कामयाब है ना मैराथन, यहाँ तो चाहिए एक रिले रेस। जिस पड़ाव से मैंने दर्द कम करने की बटन थामी, वहाँ तक उसे कोई और लेके आया था, और मेरा काम उसे अगले पड़ाव तक ले जाने का है जहाँ पे फिर कोई और उसे थामेगा। देख देख तेरे को हेलो कर रहा, तू कर ही नहीं रहा इससे। हेलो।